के अंदर की क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, लास्ट लेक्चर आपको याद था हमने लास्ट चैप्टर के अंदर, वालेकुम सलाम वासिल, लास्ट चैप्टर के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 8 का इख्तितामी हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं। और ये इख्तितामी हिस्सा था बेटा प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड में आए थे, जिसमें सारी करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ ली थी। और सारी करेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद हमने वेबर फैक्चर्स लॉ डिस्कस किया था। तो आज इंशाल्लाह ये पोर्शन हम कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह पीर के दिन चैप्टर नंबर 5 के मामला देखेंगे। तो बच्चों ये टॉपिक पेपर में डिस्कस होता रहा है, आसान टॉपिक है, आराम से तैयार कर सकते हैं आप। टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी लेवल, ऑल्सो नोन एज साउंड लेवल, इसको SL या फिर बीटा या फिर कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन अस, हम कौन सा सिंबल यूज करना चाहते हैं, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो बच्चों दो ऐसी आवाज़ें, दो ऐसी लाउडनेस जिनमें से एक हल्की हो और एक ज़रा ऊंची हो, ये हल्की और ऊंची क्यों होती है? इसलिए कि हल्की वाली लाउडनेस की एनर्जी कम होती है और ऊंची वाली लाउडनेस की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इन दोनों लाउडनेस में जो फ़र्क आ रहा है वो इनकी एनर्जी की वजह से आता है, यानी इंटेंसिटी की, एनर्जी की वजह से आता है। इसी फ़र्क का नाम हमने क्या रखा हुआ है, इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, द डिफरेंस इन टू लाउडनेस, द डिफरेंस इन टू लाउडनेस, दो ऐसी लाउडनेस बच्चों जिनमें से एक हल्की हो और एक बहुत ऊंची हो, उन दोनों में फर्क, मेजरमेंट टू लाउडनेस, ड्यू टू देयर इंटेंसिटीज, उनकी इंटेंसिटीज की वजह से, इज नोन एज इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि आप दो लाउडनेस में से एक लाउडनेस कौन सी ले लें, एल नॉट, नेट का थोड़ा सा इशू है, जरा उम्मीद है इंशाल्लाह हल हो जाएगा वक्त गुजरने के साथ साथ, इसकी वजह से अचानक मैं आपके सामने से हाइप हो गया था। दो लाउडनेस में से एक लाउडनेस ले लें आप एल नॉट, और एल नॉट का ताल्लुक जिस इंटेंसिटी से होगा उसका नाम होगा आई नॉट। आई नॉट के बारे में मैंने आपको पहले भी तारुफ कराया था, ये सबसे मिनिमम इंटेंसिटी होती है हमारी, सबसे कम है ये 10^-12। एक मरतबा सब बच्चे यस लिख दें चैट बॉक्स में कि आप सब मेरे साथ हैं, शाबाश, चैट बॉक्स में सब बच्चे यस लिख दें कि यस आप सब मेरे साथ हैं, आवाज़ प्रॉपर आ रही है आपको, कोई मसला नहीं है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दें, आवाज यस वेरी गुड, समझ का आ गया, मोबिस का आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है। असल में थोड़ा सा हो रहा है, काफ़ी टाइम से हो रहा है और वो काफ़ी लोड है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। अच्छा, उम्मीद है कि लोड रिजॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा आज। तो बच्चों L नॉट वो लाउडनेस है जिसका ताल्लुक सबसे कम इंटेंसिटी I नॉट से है, और L वो लाउडनेस है आपकी और मेरी जो सबसे ज़्यादा वाली इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, इन दोनों के अंदर फ़र्क होगा, बिल्कुल फ़र्क होगा। क्या फ़र्क होगा, अच्छा मैं पहले बता दूँ, नेट का थोड़ा मसला चल रहा है, नेट कनेक्शन इज़ नॉट स्टेबल, तो आवाज़ थोड़ी सी ज़रा आगे पीछे होती हुई या तस्वीर आगे पीछे होती नज़र आए, तो थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, खुद देर में थोड़ी सी सेट हो जाएगी, थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। तो बच्चों L L नॉट से बड़ा होगा उसी सूरत में जब I I नॉट से बड़ा हो, क्या ख्याल है, यस शाबाश, यस आपका यस सही है, आपको मेरी आवाज आ रही है, यस ओके। तो बच्चों L L नॉट से बड़ा होगा उसी वक्त जब I I नॉट से बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पर दो साउंड बनाने, पहले हम एक फॉर फेंट साउंड, सबसे धीमी आवाज़,
के लिए वेबर फेंचर्स लॉ लगाते हैं। वेबर फेंचर्स लॉ ये होता है एल इज इक्वल टू के लॉग आई, और सबसे फेंट साउंड होता है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट होती है और लाउडनेस एल नॉट होता है। अब हम एक अच्छा भाई, अब हम एक लाउड साउंड के लिए काम करते हैं जो कि एल इज इक्वल टू के लॉग आई है। ये देखिए दो आवाज़ें हैं, इनमें से एक फेंट है और एक लाउड है। अब अगर आपने बनाना है फॉर इंटेंसिटी लेवल तो आप इंटेंसिटी लेवल के लिए कैसे काम करेंगे? शाबाश, बड़ी लाउडनेस में से छोटी लाउडनेस माइनस कर देंगे। इंटेंसिटी लेवल को किससे हाई करना चाहते हैं पहले ये फैसला कर लें। अब इंटेंसिटी लेवल को फर्स्ट कर लें कैपिटल पी से हाई करना चाहते हैं, तो हम बड़ी लाउडनेस में से क्या माइनस करेंगे? छोटी लाउडनेस, एल माइनस एल नॉट हो जाएगा। ठीक है बेटा, एल और एल नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। एल की वैल्यू है के लॉग आई नॉट, कॉमन निकाल लें यहाँ से। क्या कॉमन निकला? के कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। यस चाहिए आपका एक जल्दी से, थोड़ी सी क्लास ज़रा डिस्टर्ब हो रही है नेट के कनेक्शन की वजह से, लेकिन आपका ज़रा साथ चाहिए, ज़रा एक यस भी चाहिए ज़रा। यहाँ तक क्लियर है आपको? वेरी गुड हुज़ैफ़ा, शाबाश हुज़ैफ़ा। और बाकी रिप्लाई भी चाहिए, हुज़ैफ़ा का तो रिप्लाई आ गया मेरे पास, बाकी भी देते जल्दी से, आसिफ़, अब्दुल समद, अब्दुल्ला, उमर, जल्दी से रिप्लाई दे दो क्योंकि मैं आगे बात कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी रिप्लाई दे दो, शाबाश अब्दुलरहमान। सर मैट्रिक क्लास में तुम लोगों ने यकीनन ये वाला रूल पढ़ा होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए डिवाइड बाय बी, पढ़ा है? कि अगर दो चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, तो लॉग उनको क्या करता है? डिवाइड में कन्वर्ट कर देता है। हमारा रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही बन रहा है। ये आ गया पी इज इक्वल टू के जो आपने कॉमन निकाला था लॉग, और दो चीज़ें माइनस हो रही थी, आई माइनस आई नॉट। तो आई माइनस आई नॉट जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा? डिवाइडिंग फॉर्म में आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज इंटेंसिटी लेवल। P इज इक्वल टू के लॉग आई अपॉन आई। सबको याद है, क्लियर है भाई? ये फॉर्मूला कैसे बना है? आई अपॉन आई नॉट समझ में आ गया कैसे आया होगा? यहाँ लास्ट लाइन से दोबारा देख लीजिएगा ताकि कोई मसला पेश ना है बेटा। ये देखिए गाइस, के लॉग आई माइनस लो आई नॉट, के एज इट इज, लॉग एक दफा आएगा, आई और आई नॉट आपस में डिवाइड होते हैं। ये हमारा इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, आईएल का मतलब इंटेंसिटी लेवल, इसकी इंटेंसिटी लेवल की यूनिट क्या होती है? इस इंटेंसिटी यूनिट जो लेवल की जो यूनिट रखी गई है, ऐसा यूनिट वो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है जिनका नाम था ग्राम बेल। ग्राम बेल होते जिन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था, उनके नाम पर इसकी यूनिट रखी गई है बेल। इसमें डबल एल नहीं लगाना, मतलब घंटी बज जाएगा सिर्फ बेल। इसका सिंबल होता है कैपिटल बी। ये एक ज़रा थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी निकलती है, इसलिए इससे छोटी यूनिट भी बनाई गई है और वो इसकी कहलाती है सब मल्टीपल यूनिट। सब मल्टीपल यूनिट इससे ज़रा छोटी यूनिट बनाई गई है इस डेसीबल। डेसीबल का सिंबल होता है डी और बी बड़ा, डेसीबल बी। ठीक है, तो एक बैल में 40 डेसीबल होते हैं, याद रखिए एक बैल में 40 डेसिबल। ठीक है, अच्छा ये मुझसे गलती हो रही है, ज़रा माज़र चाहता हूँ, सॉरी। एक बैल में कितने होते हैं? 10 डेसिबल। अच्छा, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है आपका वो बैल के लिए बना हुआ था। देखिए यही फॉर्मूला अगर डेसिबल के लिए होता तो फिर क्या लिखते हैं? पी इज इक्वल टू, देखिए क्या चेंज आ रहा है, टेंथ लॉग I अपॉन I नॉट, और ये फॉर्मूला बन गया फॉर डी बी डेसिबल। अब
यहाँ पे मुझे सब बच्चों का एक यस चाहिए, शाबाश जल्दी से एक अच्छा सा यस चाहिए। यहाँ भी सर यहाँ तक क्लियर हो गया, इंटेंसिटी लेवल समझ में आ गया। क्या क्या इंटेंसिटी लेवल क्या है? सिंपल है भाई, दो लाउडनेस है, एक ऊंची है और एक आवाज़ नीची है। उन दोनों के दरमियान जो फ़र्क आता है उस फर्क को इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। ये उनकी इंटेंसिटी एनर्जी की वजह से आता है। हमने जब एक बड़ी लाउडनेस के लिए वेबर फेंचर लगाया, छोटी के लिए फिर दोबारा वेबर फेंचर लगाया, और वेबर फेंचर के जरिए फिर हमने इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला बनाया जो कि ये बन के निकला। उसकी यूनिट हमने बताई आपको, दूसरी यूनिट बताई आपको, कन्वर्जन भी बताया कि एक वैल्यू कितने डेसीबल के बराबर होता है और डेसीबल का फॉर्मूला। यहाँ तक आपने शाबाश, सब बच्चों ने यस कर दिया है, वेरी गुड। अब यहाँ पे हमारा हिस्सा थोड़ा सा छोटा रह गया, बस जल्दी से उसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं, और वो है कुछ एमसीक्यू। हाँ जी, एक बेल के बाद लिखा हुआ है 10 डेसिबल, इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है, तभी कोई मसला ना। ये लिखा हुआ है 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, ठीक है। अच्छा भाई, अब आपने एग्जाम में कुछ एमसीक्यूज के जवाब देने हैं। कभी कभार ये एमसीक्यूज आते हैं, और ये एमसीक्यूज होते हैं डीबी के और बेल के, यानी डीबी निकालिए और बेल निकालिए। अब ये कैसे देते हैं, इसके दो केसेस हैं हमारे पास, दोनों केसेस बहुत आसान है। देखें केस नंबर 1, तवज्जो सुनिएगा। एग्जामिनर फर्स्ट कर लें, आपको कहता है कि आपको आई की वैल्यू देता है, और आई की वैल्यू कुछ इस तरह लिख के देता है 10^4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और पूछता है बताएं इसका डीबी क्या होगा, बताएं इसका बैल क्या होगा। या आपसे पूछ सकता है सिर्फ डीबी पूछ सकता है, या खाली बैल पूछ सकता है कि बताएं 10^4 का डीबी क्या होगा और बैल क्या होगा। तो इसका जवाब देने का तरीका बड़ा आसान है, तवज्जो सुनिएगा। जो पावर बनी हुई इसको अलग से रफ में ले लें, पावर में 4 ले लिया, अलग से बड़ा करके लिख दिया। इस 4 में +12 करना है अपनी तरफ से, फिक्स है नंबर 12 फिक्स है। तो जवाब कितना आएगा, 12 और 4 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। फिर इस 16 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना, ये भी फिक्स है, यानी ये 12 भी फिक्स है, 10 भी फिक्स है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब अब निकल के आएगा ये होगा डेसिबल, याद रखिए। इसका मतलब है कि 160 डेसिबल है, और अगर इसका बेल देना चाहते हैं तो अफ्रीका से 0 उड़ा देंगे, क्या बना 16। और मिसाल देता हूँ आपकी तरह, उस और मिसाल के अंदर समझिएगा आपको और समझ में अच्छा आएगा। लेकिन एक और मिसाल देता हूँ इसके अंदर जी, आई की वैल्यू है 10^-10 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसका आपने डीबी और इसका आपने बेल देना है, डीबी देना है और बेल देना है, दोनों निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, जो पावर आ रही है उसको रफ रख में लेना, -10 उसमें क्या करना है, +12 फिक्स है, मैंने बताया +12 फिक्स है, -++ और ये हो जाएगा 2। जो भी जवाब आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना। अब जो जवाब आ रहा है 20, ये आपका बनेगा डेसीबेल, और इसका 0 हटा दें तो बन जाएगा बैल। ओके करें यहाँ तक, ताकि दो मिसालें और दिखाऊँ आपको जल्दी से। अच्छा, तो इसमें मजीद थोड़े से और एक दो और देख लें ताकि कौन सा क्लियर हो जाए और -12 W/m², और इसका भी आपने डीबी और बैल निकालना है, तो पावर आ रही है -12 रफ रख में ले जाए इसको, -12 में +12 करते हैं जवाब हो जाएगा 0, 0 को मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो भी 0, इसका जवाब तो फौरन ही आ गया, ये 0 डेसीबेल है और 0 ही बेल है। अब इसी तरीके से एक आखिरी देख लें, आई की वैल्यू है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर,
अब 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, इसमें 10 की पावर नहीं आ रही, 10 की पावर होना जरूरी। अगर 10 की पावर होगी तो ही आंसर होगा, वरना अदरवाइज आंसर नहीं होगा, इसलिए 10 की पावर होना यहाँ पे जरूरी। तो बच्चों यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, ज्यादातर मैथ्स के स्टूडेंट सब बैठे हुए, मेडिकल का कोई नहीं है, सब जानते हैं एनीथिंग हैविंग वैल्यू 1, तो उसके लिए हर कोई भी चीज की पावर 0 बना दे वो 1 के बराबर होता है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा किसी भी चीज की पावर 0 डाल दे 1, तो अगर ये 1 लिखा है तो मैं 10 की पावर 0 डाल दे तो ये की बात, इससे ही फायदा मुझे ये होगा कि मुझे यहाँ पे पावर मिल गई 0 पावर, रेफरेंस में ले लिया 0 में प्लस 12 करा, 12 आ गया, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 120 आ गया, और नतीजे के अंदर 120 के बाद अब जो जवाब बना यहाँ पे वो बना 120 डेसिबल और 12 में। हाँ भाई यहाँ तक सब क्लियर है, तो केस नंबर 2 देख लें। केस नंबर 2 इससे भी कई गुना ज़्यादा आसान है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ही क्या करता है, आपको आई अपॉन आई नॉट का रेशो बना के देता है। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा देगा 10 की पावर 7, यूनिट नहीं लगी होती है, आई अपॉन आई नॉट 10 की पावर 7, यहाँ पे यूनिट नहीं लगी हुई। तो आपने क्या करना है, बस सिंपली जो भी ये पावर आ रही है इसको रफर में ले जाए और इसको अब की बार सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 12 नहीं होता इसका, वो पहले से हो चुका होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 70। अब जो ये 70 आ रहा है ये डेसिबल है, 0 हटा दें ये डन। बताएं केस नंबर 2 समझ में आ गया, जो उससे भी ज़्यादा आसान है। यहाँ तक सब बच्चे यस कर दें। सेकंड वाले केस में सिर्फ जो पावर है उसको जस्ट 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर बनेगा और डेसिबल होगा और 0 हटा देंगे पहले होगा। एक ही यस आया, बाकी यस नहीं आ रहे, जल्दी से आ गए, अब सारे आ गए, और भी 3-4 यस को आए, और भी यस चाहिए। तो बच्चों चैप्टर नंबर 8 का आखिरी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उसके साथ ही आपका यहाँ पर आके मामला ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र। और इस टॉपिक का नाम है पावर लॉ। पावर लॉ को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अपने तौर पे हल्का सा समझने की और दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ज़रा जो कॉन्सेप्ट दिया गया उधर थोड़ा मुश्किल है ज़रा। देखिए वेबर फेंचर्स लॉ जो है वो बाज़ दफ़ा सही रिजल्ट नहीं दे पाता, उसका एक रीज़न है, उसमें लॉग आ जाता है और लोगैरिथम हर जगह पर सही जवाब नहीं दे पाता, इसलिए लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लॉग की वजह से सही जवाब हर दफ़ा नहीं दे पाता, इसलिए एक लॉ बनाया गया जिसका नाम है पावर लॉ। तो पावर लॉ क्या कहता है पहले ज़रा समझ लीजिएगा, लाउडनेस लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके बाद लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द रेशो ऑफ आई अपॉन आई नॉट टू द पावर 3/10। ये ज़रा थोड़ी सी मुश्किल से ज़रा सी चीज़ है लेकिन डाइजेस्ट हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन से करना है। कह रहे हैं लाउडनेस जो है वो लॉन्ग आई के साथ डायरेक्टली नहीं, बल्कि लाउडनेस जो है वो 2 इंटेंसिटीज़ हैं, एक आई और आई नॉट। अब हर बच्चा आई और आई नॉट के बारे में जान गया है, आई ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, आई नॉट नहीं होती, इन दोनों इंटेंसिटी का रेशो बनाना है और साथ में पावर डालनी है, और पावर है 3/10। तो ये रिलेशन सही बनता है, वरना रिलेशन नहीं बनता लाउडनेस और इंटेंसिटी का। ये पावर कैसे किस तरह से आई ये आपके कोर्स के अंदर इतना ज़्यादा वजाहत से नहीं बताया गया और बस इतना ही लिखा गया है, पेपर में कभी नहीं आया ये लॉ आज तक, तो बस आप मुँह जहन में बिठा लें। लाउडनेस और इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिजल्ट नहीं दे पाते, नतीजे में लॉग के साथ जवाब नहीं दे पाते, तो इसलिए लाउडनेस का जो रिजल्ट बनाया गया है वो आई और आई नॉट के
आई और आई नॉट के रेशियो से बनाया गया है और 3 to power 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाएंगे और क्या लग जाएगा यहाँ पे, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाएंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा और वो कॉन्स्टेंट होगा के, और ये जो आपके सामने रिजल्ट लिखा हुआ है इसको कहते हैं पावर। ठीक है, सही है, बस क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से 2 से 3 मिनट में रिप्लाई कर दें, 2 से 3 मिनट में रिप्लाई कर दें, शाबाश। जल्दी से 2 से 3 मिनट में रिप्लाई कर दें, वेरी गुड वेरी गुड। आपसे बात सुन लें, 1 मिनट की बात है, लेक्चर एंड हो गया हमारा उसके बाद, और वो है यूनिट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस की यूनिट क्या होती है? लाउडनेस की यूनिट होती है बेटा सोन, SON। लाउडनेस की यूनिट सोन होती है, याद रखिए, पेपर में डिस्कस हो चुका है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक जो सोन होता है वो 40 dB के बराबर होता है जब फ्रीक्वेंसी होती है 1000 Hz। ये रिलेशन के ऊपर पेपर में MCQs आ चुका है। एक सोन में कितने dB होते हैं? 40। तो क्या 3 सोन बता सकते हैं? जल्दी से 3 सोन बता दें मुझे, लेक्चर एंड हो गया, अटेंडेंस होगा इसके बाद। एक सोन में अगर 40 है तो 3 सोन में कितने होंगे? एक सोन में अगर 40 है तो 3 सोन में कितने होंगे? जल्दी से ठीक है भाई, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो ज़रा अटेंडेंस के बारे में बातचीत कर रहा था ज़रा मैं, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, और अपने आप को रेगुलर रखिएगा ताकि ये बस इख्तिताम और मामले चल रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से मामला एंड अप हो जाए। अभी ग्रैंड टेस्ट किट भी आपको सॉल्व करानी है, अपने आप को ग्रैंड टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड करें, और उसके लिए बड़ी प्लानिंग करी गई है आपके लिए, और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए किया गया है ताकि अच्छा और अच्छे से बेहतर रिजल्ट आ सके। इस तरह के हालात से हम सब लोग गुजरे हैं, आप लोग, हम सब लोग, नतीजे में रिजल्ट आपका बेहतर से बेहतर आ जाए, उसके लिए शाहजी ने, उसके टीचर्स ने, सबने मिलके ग्रैंड टेस्ट किट की तैयारी में बहुत मेहनत करी है, बहुत प्लान करा है। तो आप लोग प्लीज़ ग्रैंड टेस्ट के अंदर अपने आपको रजिस्टर्ड करवाएं ताकि उसका एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सके। अपना अपने दरवाजा ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।